फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग मशीन के बारे में दोस्तों वाशिंग मशीन में एक प्रॉब्लम आती है कि उसकी जो ड्रेन की मोटर होती है जिससे हम कपड़े सुखाते हैं वो मोटर बार बार खराब हो जाती है तो उसका क्या रीजन रहता है बार बार खराब होने का और कई बार ऐसा होता है कि हमने मोटर वाइंडिंग किया ड्रेन की और लगाई है तो दस पंद्रह दिन बाद ही वो मोटर हमारे पास आ जाती है फूक जाती है ऐसा कई बार हो जाता है और इसका क्या रीजन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आपको करना कुछ नहीं है छोटा सा वीडियो है पूरा देख लेना है उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो मेरा नाम है समय आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर ये ड्रेन की मोटर है मेरे पास और लगभग पाँच साल हो गए इस मोटर को वाइंडिंग किए और अभी तक ये मोटर ख़राब नहीं हुई अब खराब हुई है तो हम क्या इसको खोल के लाए हैं और इसमें इससे पहले दो से तीन बार बुफर हमने चेंज कर दिया लेकिन वाइंडिंग बची रही तो इसका रीज़न यही था कि हमने इसके ऊपर ये पोलोथीन लगा रखी है इस पोलोथीन का लगाने का तरीका यही है कि इसकी पुली हटेगी और इसके जो ब्रेक का सिस्टम है वो प्लेट हटती है उसके बाद आप इसमें इस तरह की पोलोथीन लगा सकते हैं पोलोथीन थोड़ी अच्छी हैवी लें ज़्यादा हल्की ना लें या फिर आप कोई पतली जो रबड़ आती है जब ट्रक वगैरह के टायर की ट्यूब आती है वो भी ले सकते हैं या फिर पीवीसी ले सकते हैं पीवीसी में यह है कि पीवीसी में थोड़ी आवाज़ आपको आ सकती है उसकी फड़फड़ाने की लेकिन आप पोलोथीन लेंगे अच्छी हैवी थोड़ा हैवी टाइप में लें डबल करके और उसको लगा लें उसके बाद क्या होता है कि अगर जब भी आपका बूफर कभी लीक होगा तो मोटर के अंदर पानी नहीं जाएगा पानी नहीं जाएगा तो उससे ये फ़ायदा भी है कि मोटर ख़राब नहीं होगी दूसरा ये है जो ये हम बोल्ट खोल रहे हैं इन बोल्टों में आप देख सकते हैं जिन्होंने जंग नहीं लगाए पाँच साल बाद भी ऐसे कैसे हमें मिल रहे हैं तो इसका भी एक रीज़न है क्योंकि इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है और इधर उधर से भी और हमने इसमें थोड़ा लंबा पोलोथीन लिया है तो इसी तरीके से आप पोलोथीन लें और उसमें ये देख लें कि इसमें पानी अंदर ना जाने पाए तो अगर उसमें पानी नहीं जाएगा तो इसकी वाइंडिंग भी बची रहेगी और दूसरा इसका बूफर लीक होता है तो हम उस बूफर को चेंज कर सकते हैं मोटर हमारी बच जाएगी तो इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा है आप यहाँ देख सकते हैं ये बोल्ट हमने खोल लिया है और हम आपको चेक करके बताएंगे पाँच साल बाद खुल रही है मोटर और इसका बूफर जो था जो बिल्कुल डैमेज हो चुका था इतना डैमेज हो चुका कि बिल्कुल फट कर इसमें पानी बहुत ज़्यादा जा रहा था तो अब हम इस मोटर को देखेंगे मोटर चल नहीं रही है इसमें क्या रीज़न रहा है इसका तो हम इसको अभी खोल कर आपको दिखाएंगे अगर इसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी लीड वगैरह की तो अभी हम आपको इसको रिपेयर करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं बाकी सीरीज से आप चेक कर सकते हैं दोनों वायर बोलने चाहिए तो ओके है अगर इसमें से नहीं बोलता है तो फिर वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है लेकिन हमें यहाँ पर इसकी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है बाहर से यहाँ हम जब देख रहे हैं तो हो सकता है हमारी ये वाइंडिंग सही हो लीड वगैरह में फॉल्ट हो तो अब हम इसको निकालेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है इसके लीड फॉल्ट है या फिर मोटर में कोई और कमी है तो इस तरह की पोलोथीन लगानी है इस पोलोथीन से आपकी मोटर है जो सालों साल चलेगी ख़राब नहीं होगी ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है और जब बूफर आपका लीक होता है तो बूफर चेंज कर ले मोटर की वाइंडिंग बची रहेगी तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है इलेक्ट्रिशियन के लिए भी और जिस जो वाशिंग मशीन रिपेयर करवाते हैं कस्टमर उनके लिए भी बहुत ही अच्छी नॉलेज है बहुत ही काम का ये ट्रिक है तो आप इसको अपनाएं और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो दो कॉइल हैं वो जली हुई हैं मतलब इसका मतलब इसमें ये कि पानी पहुँच चुका है अंदर तक वो क्या रीज़न रहा है काफ़ी टाइम से लीक था और बहुत ज़्यादा पानी इसमें निकल रहा था तो आप यहाँ देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में तो नहीं अगली वीडियो में इसकी वाइंडिंग करके आपको हो सकता है कंप्लीट वीडियो वाइंडिंग की आपको बता दें मतलब जो चार कॉयल एक साथ डालते हैं बिना ज्वाइंट के मतलब ज्वाइंट की ज्वाइंट लेस जो कॉइल डलती है उस तरीके से तो हम कोशिश करेंगे उसका वीडियो बनाएं या फिर वीडियो उसका नहीं बनाया तो हम आपको इसका वाइंडिंग डाटा गेज बता देंगे और इसको अगले वीडियो में हम आपको इसको जरूर दिखाएंगे तो इस तरीके से आप ये ट्रिक अपना सकते हैं और इससे आपकी मोटर बची रहेगी तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने बताया आपको कि जो वॉशिंग मशीन में ड्रेन की यानी कि जिससे हम कपड़े सुखाते हैं उस मोटर में बार बार ख़राब होने का रीज़न ये होता है उसके अंदर पानी चला जाता है उसका जो बूफर होता है वो लीक हो जाता है या फिर वो सही तरीके से लग नहीं पाता है अगर सही तरीके से लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने सही तरीके से लगा दिया लेकिन उसमें जो उसका बूफर है वो लीक हो गया तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैंने जो आपको ट्रिक बताई है इस ट्रिक से आपकी जो वॉशिंग मशीन में ड्रेन की मोटर है वो जल्दी से बार बार खराब नहीं होगी तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर